हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है लॉर्ड नोन कोडेटा, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस के अंदर फेसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। और फेसियोला हेपेटिका से रिलेटेड अब तक हम जिन वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ फेसियोला हेपेटिका, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फेसियोला हेपेटिका की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नंबर थर्ड वीडियो में हमने इसके एक्सक्रिटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और नंबर फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नंबर फिफ्थ वीडियो में जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है, वो है इसकी लार्वल स्टेजेस। फेसियोला हेपेटिका में जो है काफी सारे लार्वा बनते हैं, जिसके अंदर जब सबसे पहला लार्वा जो होता है वो मिरासीडिया लार्वा होता है। मिरासीडिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, ये सब जो लार्वा है वो फेसियोला हेपेटिका के लार्वा है, जिसके बारे जिनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से मिरासीडिया लार्वा से स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा कैसे कन्वर्ट होता है रेडियल लार्वा में, रेडियल लार्वा कैसे सर्केरिया लार्वा में, और सर्केरिया लार्वा से कैसे मेटासर्केरिया लार्वा, और ये लार्वा कौन से होस्ट की, मतलब इसमें आपको पता है डायजेनेटिक होता है, दैट मीन्स कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की हेल्प लेता है। नंबर फर्स्ट इसमें होता है वो हम शिप, कोई वर्टिब्रेट एनिमल जैसे कि शिप, बुफेलो, गाय, भैंस, ये सब, ठीक है, मेनली हम शिप मानते हैं, भेड़। और नंबर सेकंड स्नेल, ठीक है, नंबर सेकंड जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है, और सेकेंडरी होस्ट पर अटैक करता है कौन, मिरासीडिया लार्वा। तो सबसे पहले मैं वापस आना चाहूंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे इसकी लार्वल स्टेजेस के बारे में। तो आपको पता है फेसियोला हेपेटिका में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और फेसियोला हेपेटिका जो होता है वो डायोसियस होता है, मतलब बाइसेक्सुअल, और इस मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और कभी कभी बहुत ही रेयरली केसेस में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। तो मेनली हम क्या मानेंगे, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और कॉपुलेशन कहां पर होगा, बाइल डक्ट के अंदर, पित्त वाहिनी, जो होस्ट है जैसे कि भेड़ है उसकी बाइल डक्ट या पित्त वाहिनी के अंदर ही कॉपुलेशन हो जाता है। और उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें एक जंतु का जो मेल यूनिट जैसे कि सीरस, वो दूसरे सेकंड एनिमल के लोरल कैनाल में घुस करके, ठीक है, एंटर करके अपने स्पर्म को डिस्चार्ज कर देता है, और फिर वो स्पर्म ओविडक्ट में पहुंच करके वहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन में लगभग 11 साल की लाइफ साइकिल में जो फेसियोला हेपेटिका होता है लगभग 2,00,000 अंडे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बाइल डक्ट के से वो है जो है इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, इसमें जो एग बनता है, एग फर्टिलाइज होने के बाद उस एग की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो एग है ये सबसे पहले बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है, आंत के अंदर, और फिर उसके बाद ये फीसिस के द्वारा, मतलब मल के द्वारा वो बाहर एग्जिट वातावरण में आ जाता है, ठीक है, एग्जिट हो जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें ऊपर की तरफ पाया जाता है ओपरकुलम, ठीक है, इसकी जो वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये काइटिन की जो वाल है इसे अपने अनफेवरेबल पीरियड्स को में सामना करने के लिए मदद करती है, मतलब कि ये जो है जैसे ही फीसिस के साथ बाहर आता है तो इस पर काफ़ी बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं, मतलब इसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अनफेवरेबल होता है, जिसका सामना करने के लिए इसकी बॉडी के ऊपर, इस एग की कंप्लीट बॉडी के ऊपर ये सेल जो होता है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, इसकी जो सेल है वो काइटिन की बनी होती है, और इसके ऊपर वाला पार्ट ओपरकुलम कहलाता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट ओपरकुलम कहलाता है, और ये सेंटर में एम्ब्रियो है, और ये योल्क सेल है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है डिवीजन, ठीक है, फाइनली क्या होगा इस एग में, और वो डिवीजन वहीं से जहां से फर्टिलाइजेशन हुआ था वहीं से इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट डिवीजन से क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन इसमें कंप्लीट होता है, मतलब कि पूर्णतः फर्स्ट डिवीजन होता है, और अनइक्वल होता है, असमान डिवीजन होता है, मतलब डिवीजन दैट मींस कि विभाजन, हिंदी में इसको विभाजन बोलते हैं। तो इसमें प्रथम विभाजन यानी कि फर्स्ट डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है और अनइक्वल होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती हैं, एक होती है प्रोपोगेटरी सेल्स एंड नंबर सेकंड सोमैटिक सेल्स। अब इनमें क्या होगा, सोमैटिक सेल्स में बहुत सारे डिवीजन होंगे, कई बार डिवीजन प्रोपेगेटरी सेल्स में कई बार डिवीजन होंगे, जिससे कि इसमें ऑर्गन्स वगैरह सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस एग के अंदर
फर्स्ट लार्वा बनता है जो कि होता है मीरा सीडिया लार्वा। अब ध्यान से देखेंगे इस एग में, इस एग के बाद इसमें कई तरह के डिवीजन हुए जैसा कि मैंने आपको बताया। उस डिवीजन के बाद एक फर्स्ट लार्वा बनता है जो कि इस ओपोरकुलम से बाहर निकल जाता है। इसमें लाइटिक प्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से इसका जो ओपोरकुलम होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और इससे जो है ये मीरासीडिया लार्वा फ्री हो जाता है। अब ये जो मीरासीडिया लार्वा है इसकी स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके बाद मीरासीडिया लार्वा से स्पोरोसिस्ट लार्वा कैसे बनता है, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा से किस तरीके से रेडिया लार्वा बनता है, रेडिया लार्वा से सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया कैसे बनता है, अब हम इसके सभी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है इस एग के अंदर मीरासीडिया लार्वा बन चुका है जो कि ओपरकुलम से बाहर निकल जाता है और वाटर में तैरता रहता है। अब इसको तलाश होती है अपने सेकेंडरी होस्ट की जिसको हम बोलते हैं स्नेल। अब ये स्नेल के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये उसको पेनेट्रेट करके उसकी पल्मोनरी चैम्बर से होता हुआ डायरेक्टली उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वहां पर एंटर करेगा उसकी ये क्या उसमें यहां पर इसमें जो सीलिया वगैरह है ये सब पूरे को पूरे खत्म हो जाते हैं, मतलब सीरियस में डिसअपियर हो जाते हैं और फिर फाइनली जो है स्पोरोसिस लार्वा में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर और भी कुछ डिविजन होते हैं और इनकी जो इनके अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, मतलब काफी इसमें बदलाव आता है जिसके कारण वो जो ये जो लार्वा है ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस लार्वा में। तो वही चीज सबसे पहले तो हेडिंग डालना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ मीरासीडिया लार्वा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन पेपर में आपको चार लार्वा दिखा देते हैं और वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें सभी के सभी जितने भी लार्वा हैं वो सब आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं और कभी कभी लाइफ साइकिल के थ्रू भी इसकी जो लार्वल स्टेजेस हैं वो पूछे जा सकते हैं, या फिर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके से आ जाता है व्हाट इज स्पोरोसिस लार्वा या व्हाट इज मेटा सर्केरिया लार्वा, व्हाट इज मीरासीडिया लार्वा। ज्यादातर मीरासीडिया लार्वा बहुत ही पूछा जाता है। तो इसकी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मीरासीडिया लार्वा। सो गाइज हेडिंग डालेंगे लार्वल स्टेजेस ऑफ फैसियोला हेपेटिका और हेडिंग डालेंगे नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मीरासीडिया लार्वा, क्योंकि ये फैसियोला हेपेटिका का फर्स्ट लार्वा है। सो इट इज फर्स्ट लार्वा ऑफ इस फर्स्ट लार्वल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। इट स्विम एक्टिवली इन वाटर इन सर्च ऑफ सेकेंडरी होस्ट। ये जो है स्विमिंग करता है वाटर के अंदर अपनी सीलिया के हेल्प से, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और अपनी सीलिया के हेल्प से और ये सेकेंडरी होस्ट की होस्ट को फाइंड करता है। ठीक है, इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका सेकेंडरी होस्ट लेमिनी स्पीसीज का एक स्नेल होता है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट है। सो द स्नेल ऑफ जीनस लेमिनी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मीरासीडिया लार्वा का डायग्राम है एंड मीरासीडिया ऑफ फैसियोला इज अबाउट 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग। इसकी जो बॉडी होती है लगभग 0.07 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, ओवल और कॉनिकल शेप का होता है। इट इज ब्रॉड एंटीरियर एंड ऑफ द प्रोड्यूस इन टू एन एपिकल लोब और एपिकल पेपिला। इसका जो एपिकल पेपिला और एपिकल लोब वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। सो एग्जैक्ट द एपिकल लोब, इसके एपिकल लोब को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो सिलिएटेड होती है, द रेस्ट ऑफ ऑल द बॉडी इज सिलिएटेड। इट इज कवर्ड विथ 21 क्लोजली फिटेड हेक्सागोनल एपिडर्मल प्लेट्स। इसकी जो है इसकी बॉडी जो होती है मीरासीडिया लार्वा की कवर्ड होती है 21 हेक्सागोनल एपिडर्मल प्लेट्स के द्वारा, अरेंज्ड विथ 5 रोज, जो कि 5 रोज में अरेंज्ड होती है। द फर्स्ट रोज कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेट एंड सेकेंड रोज में भी 6 प्लेट्स होती हैं एंड थर्ड रोज में भी 3 एंड फोर्थ रोज में 4 एंड फिफ्थ रोज में 2। तो इस तरीके से टोटल 21 क्लोजली फिटेड हेक्सागोनल एपिडर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। अभी हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को और भी ध्यान से देखें तो इसके डायग्राम को आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे इसमें प्रेजेंट है एपिकल पेपिला। ध्यान से देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ इसमें एपिकल पेपिला प्रेजेंट होता है। जस्ट उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एपिकल ग्लैंड और इसकी कंप्लीट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया। सिर्फ कौन से पार्ट को छोड़कर, इसका जो एपिकल पेपिला होता है उस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो कंप्लीट बॉडी है वो सीलिएटेड होती है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्रेन और जस्ट उसके नीचे की तरफ आई स्पॉट प्रेजेंट होता है और फिर से नीचे आप एक्सक्रिटरी पोर दिखाई देगा, उसके जस्ट बराबर में पेनिट्रेशन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एपिडर्मल, ये जो इस बॉडी स्ट्रक्चर के आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रही है ये एपिडर्मल प्लेट सेल्स होती हैं।
जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एंड मस्क ये जो है इसके बाद मसल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और बोन, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे, ये पूरी की पूरी जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये जो है जर्म सेल्स होती हैं, और इसके जस्ट नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है इसके बॉडी की, वो सब एपिथीलियम कहलाती है, ठीक है, ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। और मिरासोडिया लार्वा जो होता है वो भोजन नहीं करता, ठीक है, फाइनली एक कंडीशन ऐसी आती है, मिरासीडियम डज नॉट फीड एंड इट डाइज विद मैक्सिमम 24 आवर्स, ये जो है 24 घंटे तक जिंदा रह सकता, अगर इसको सेकेंडरी होस्ट नहीं मिला तो ये जो है 24 घंटे के बाद मर जाएगा, लगभग हम मान लेते हैं कि 24 घंटा जो है ये जिंदा रह सकता है विदाउट सेकेंडरी होस्ट, लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर सेकेंडरी होस्ट नहीं मिलता तो ये जो है डेड हो जाता है। सो मिरासीडिया लार्वा जो होता है वो 24 हाउस में अगर सेकेंडरी होस्ट, जैसे कि इसका स्नेल होता है लेमिनी स्पीसीज का, अगर ये पहुंच जाता है तो वो उसके पल्मोनरी चैम्बर से होता हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसके इसका जो पैपिला होता है उसकी हेल्प से वो जो है इसकी बॉडी के अंदर अटैच हो जाता है, और फिर उसके बाद इसके जो सीलिया होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, सीलिया डैमेज हो जाएंगे, और आफ्टर 14 डेज के बाद ये जो है स्पोरोसिस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपने क्या देखा, मिरासीडिया लार्वा जो होता है वो आपको उस मेन पॉइंट याद रखना है कि ये इसका फर्स्ट लार्वा है और यही जो है सेकेंडरी होस्ट को ढूंढता है, ठीक है, यही फाइंड करता है सेकेंडरी होस्ट को, और उसके अंदर उस बॉडी के अंदर पल्मोनरी चैम्बर से होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, फिर उसके बाद उसकी टिश्यूज के अंदर चला जाता है, और इसके इसमें क्या होगा, इसकी जो बॉडी के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन होंगे, मतलब उसकी जो काफ़ी इसकी बॉडी काफ़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके सीलिया डैमेज हो जाएंगे, बाकी ऑर्गन्स भी इसमें इन 14 डेज के अंदर अंदर इसमें बॉडी में काफ़ी परिवर्तन होता है, और ये मिरासीडिया लार्वा कन्वर्ट हो जाता है इस स्पोरोसिस्ट लार्वा में। अब हेडिंग डालेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर मिरासीडिया लार्वा हेडिंग डाला था, अब आप डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोसिस्ट लार्वा। सो फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे सेकंड लार्वा जो कि है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर है वो रेडिया लार्वा की स्ट्रक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पोरोसिस्ट लार्वा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिरासीडिया लार्वा से स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। सो मिरासीडिया लार्वा लूजेस द एपिकल ग्लैंड, पेनेट्रेशन ग्लैंड एंड ब्रेन एंड आई स्पॉट्स एंड चेंज इन टू द सैक लाइक स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये जो है अपना एपिकल ग्लैंड इसमें लूज करता है, पेनेट्रेशन ग्लैंड इसमें से डिसअपियर हो जाता है, ब्रेन भी इसमें से गायब हो जाता है, और आई स्पॉट्स, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है मिरासीडिया लार्वा की, ये सब जो है गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। इट्स लुक लाइक एंड इलोंगेटेड सैक अबाउट 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 0.7 मिलीमीटर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन क्यूटिकल, इसके चारों तरफ जो है थिन क्यूटिकल की बनी हुई एक आवरण होता है, एंड ए लेयर ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, द वाइड इंटीरियर इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोटोनेफ्रिडिया एंड जर्म सेल्स, एंड द जर्म सेल्स अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू प्रोड्यूस ए रेडिया लार्वा। अब इसकी जो जर्म सेल्स है वो उसमें जो है डिवीजन होता है, जो रिपीटेड डिवीजन होता है जिससे कि प्रोड्यूस होते हैं रेडिया लार्वा, जिनकी संख्या 5 से 18 होती है। तो स्पोरोसिस्ट के एक लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर, मतलब उसके एक लार्वा में कम से कम 5 से 18 रेडिया लार्वा बनते हैं। सो द रेडिया लार्वा माइग्रेट टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल। स्नेल, अब क्या होता है, ये जो रेडिया लार्वा बने ये माइग्रेट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में, स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद नंबर थर्ड लार्वा बनता है जो कि है रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा इज ए इलोंगेटेड लार्वा विद ए स्मॉल माउथ, इसमें छोटा सा एक माउथ होता है, एंड सेक्टोरियल फेरिंग्स एंड ए सिंपल क्लोज्ड इंटेस्टाइन इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेनी यूनिसेल्यूलर फेरिंजियल ग्लैंड्स ओपन इन टू द फेरिंग्स, ठीक है, इसकी जो फेरिंग्स के अंदर बहुत सी छोटी छोटी यूनिसेल्यूलर फेरिंजियल ग्लैंड्स ओपन होती हैं, और इसमें जर्म बॉल्स पाई जाती है, और उस जर्म सेल्स में डिवीजन होता है जिससे कि बनता है नेक्स्ट सर्केरिया लार्वा। और यदि हम इनकी डायग्राम या स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर स्पोरोसिस्ट लार्वा को जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो है आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ क्यूटिकल होती है, मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ सबसे इसमें सब एपिथीलियम है, इसी के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यंग रेडिया लार्वा भी इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखा है,
जो कि आप देख सकते हैं यंग रेडिया लार्वा एंड ओपनिंग ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ पर इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है जहां पर इसकी ओपनिंग होती है, और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रिडिया के जस्ट अपेक्स पर देखेंगे इसमें जो है फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ओल्डर रेडिया लार्वा भी इसमें आप ध्यान से देखेंगे ओल्डर रेडिया लार्वा दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसकी बॉडी के अंदर जो है स्पोरोसिस लार्वा के अंदर मेच्योर, एक मेच्योर स्पोरोसिस लार्वा का ये डायग्राम है जिसके अंदर ओल्डर एंड न्यू रेडिया लार्वा जो दिखाई देंगे। उसके बाद आप देखेंगे रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, क्यूटिकल का बना आवरण है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, डॉटर सर्किरिया इसी के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान से देखें तो इसमें जो है सर्किरिया लार्वा जिसको हम डॉटर सर्किरिया लार्वा भी बोलते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें बर्थ पोर प्रेजेंट होते हैं एंड फेरिंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ऊपर की तरफ देखेंगे ये सब माउथ प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ माउथ फेरिंग्स एंड कोलर मसल्स पाई जाती हैं जिसमें इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स या फिर उसमें डॉटर रेडिया ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ऊपर की तरफ जो डायग्राम है ये स्पोरोसिस लार्वा का है, और ये नीचे की तरफ जो डायग्राम है ये रेडिया लार्वा का है, इसको नोट करें। सो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे सर्किरिया लार्वा, ये फेस्यूला हेपेटिका के लार्वल स्टेज की फोर्थ लार्वा है जो कि सर्किरिया लार्वा होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, द बॉडी ऑफ ए फुल्ली डेवलप, इसकी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली विकसित होती है, डेवलप होती है। सर्किरिया लार्वा इज ओवल लाइक, ये जो है अंडाकार होता है और इसमें टेल भी प्रेजेंट होता है जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये सर्किरिया लार्वा का डायग्राम है, और नीचे वाला जो डायग्राम है ये मेटा सर्किरिया लार्वा का डायग्राम है। सो ये जो है ओवल लाइक होता है, दैट ए टेडपोल एंड हैज ए लॉन्ग इलास्टिक टेल, इसमें जो है लॉन्ग इलास्टिक टेल होता है, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड, जो कि इसके पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड करता है। सो द बॉडी इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसकी जो बॉडी होती है वो एक थिन क्यूटिकल की बनी होती है, एक पतली सी क्यूटिकल की एक आवरण चढ़ा होता है। ए माउथ, ए मस्कुलर फेरिंग्स, ए स्मॉल इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, जो ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स थी माउथ मस्कुलर फेरिंग्स और स्मॉल इसोफेगस ये सब की सब इसके एंटीरियर रीजन में, बॉडी के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट था। एंड ओरल सकर्स इज प्रेजेंट सराउंडिंग द माउथ, ठीक है, वो माउथ के सराउंडिंग प्रेजेंट था। एंड वेंट्रल सकर्स इज फाउंड बिटवीन द आर्म्स एंड द इंटेस्टाइन। सो मेनी जर्म सेल्स, फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रेटरी डक्ट आर फाउंड इन द इंटरनल कैविटी, इसके इंटरनल कैविटी के अंदर बहुत सारी जर्म सेल्स, फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रेटरी डक्ट पाई जाती हैं। अब क्या होता है, बॉडी वॉल अराउंड, इसकी जो बॉडी के चारों तरफ एक सिस्टोजिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का सेक्रेशन करती है, जो कि वो जो पदार्थ है वो इसके बॉडी के चारों तरफ अराउंड जो है सिस्ट फॉर्मेशन का कार्य करता है, और जैसे ही ये सिस्ट बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है मेटा सर्किरिया लार्वा में। अब इसमें जो इसका जो टेल है वो गायब हो जाता है, और मेटा सर्किरिया लार्वा जो होता है ये एक राउंडेड, एक मैच्योर और मैच्योर होता है बिल्कुल, ठीक है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, क्यूटिकल लेयर, इसकी चारों तरफ क्यूटिकल लेयर होती है जो कि सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। फ्लेम सेल्स आर इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन सर्किरिया लार्वा के अंदर प्रेजेंट थे वो सब के सब गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और इसमें जो है फ्लेम सेल्स इंक्रीज कर जाती है, बहुत सारी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो मेटा सर्किरिया लार्वा है जब ये मैच्योर हो जाता है तब ये स्नेल बॉडी से एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और किसी घास से या किसी पत्ते पर जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उस पर चिपक जाता है। अब जैसे ही कोई वर्टिब्रेट एनिमल जैसे कि गाय, भैंस या शिप, जल्दी हम भेड़ मान लेते हैं, तो शिप इसको खाने आएगी, उस घास को खाने आएगी, तो मेटा सर्किरिया लार्वा उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उस घास के थ्रू ही, ठीक है, जैसे वो घास को खाएगा, और घास पर हजारों की संख्या में मेटा सर्किरिया लार्वा होते हैं जो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इसके लाइफ साइकिल में लगभग हमने 5 लार्वा को डिस्कस किया, जिसमें मेटा सर्किरिया लार्वा जो है वो अपने प्राइमरी होस्ट तक पहुंचता है जो कि उसका होता है शिप होता है, ठीक है, और ये उसके अंदर एंटर करके उसकी बॉडी जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जैसे उसके एंटर करेगा तो अब इसके चारों तरफ सिस्ट वाल है, जो कि अब सिस्ट वाल को जो बॉडी है जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, शिप या किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो उसको जो है कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं कर पाते,
जो उसमें सिस्ट प्रेजेंट होता है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, और फिर फाइनली वो जो है उसके बाइल डक्ट में एंटर कर जाता है और फिर दोबारा से इसकी लाइफ साइकिल इसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फेशियोला के अंदर में हमने जो भी आपने लार्वा स्ट्रक्चर देखा, ये एग्जामिनेशन पेपर में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपने देखा कि ये होता है सर्केरिया लार्वा, इसमें जो है आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है और ओरल सकर्स सराउंडेड बाय ओरल सकर्स, ठीक है, उसके नीचे मस्कुलर फेरिंग्स इसोफेगस एंड गट सिलोम प्रेजेंट होता है, सिस्टोजिनस ग्लैंड इसमें पाई जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यही ग्लैंड जो है एक ऐसे पदार्थ का सेक्रेशन करती है जो कि इसकी बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, एसिटाबुलम प्रेजेंट है, जर्म सेल्स प्रेजेंट है, एक्सक्रेटरी वेसिकल्स एंड एक्सक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होता है, और एक लंबी सी पूंछ प्रेजेंट होती है जो कि इलास्टिक एंड इलास्टिक होती है, एक तरह से संकुंचनशील तरह होती है, ठीक है। और नीचे आप इसके मेटासर्किया लार्वा की स्ट्रक्चर को देखें तो ये लगभग गोल होता है और इसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक सिस्ट का फॉर्मेशन है, सिस्ट वॉल प्रेजेंट है, इसमें भी ऊपर की तरफ माउथ होता है, ओरल सकर्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, एक्सक्रेटरी कैनाल है, फ्लेम सेल्स है, मतलब जो भी फेसिला हेपेटिका के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे वो सब ऑर्गन्स लगभग इस मेटासर्किया लार्वा के अंदर आ जाते हैं। सेंटर में आप देखेंगे एसिटाबुलम प्रेजेंट है, उसके जस्ट नीचे एक्सक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है। तो ये सब जो है इस सर्केरिया और मेटासर्केरिया लार्वा की स्ट्रक्चर है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।